नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः सफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका। और जैसा कि हमने कल कहा था कि डिफरेंस जो भिन्नता जो चैप्टर था अपने रीजनिंग में, उसका एक तरह से लास्ट चैप्टर होगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारे वीडियोज आप लोग एक बार देख रहे होंगे और जीएस वाले रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए जो भिन्नता से बचे हुए सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं फटाफट, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना बोल रहा है 51 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, वही विबग्योर वाला कंसेप्ट फिर से आ जाता है कि सफेद रंग तो होता नहीं है विबग्योर में, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें भिन्न हो जाएंगी सफेद से हटाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, वही चीज रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी, एड्स। ये किससे होता है, ये सब विटामिन से है, ये वायरस से, एड्स, ठीक है। ये सब किससे, विटामिन की कमी से होते हैं रोग, ठीक, इसलिए डी अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर बोल रहा है कि वही अलग कौन सी आकृति है। ये चीज नोटिस करिए कि सारे जो हैं अलग अलग दिशाएं मुड़े हुए हैं, ठीक है। ये इधर मुड़ा हुआ है, इधर मुड़ा हुआ है, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, लेकिन ये जो है दोनों एक ही एंगल मुड़े हुए हैं, ये वाला 4th नंबर, ठीक है। और ये भी अलग मुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दोनों एक साइड मुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए तो 54 नंबर जो अपना है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं कौन सा जुड़ा अन्य से भिन्न है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इनका जो सम है ना, 1 + 2 = 3 = 24 + 29 = 50 + 57 = 35 = 46, ठीक है। तो ये सब क्या है, अभाज्य है। 57 क्या है, 19 = 57, 57 जो है भाज्य, बाकी सब अभाज्य संख्या है, इसलिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा बी, यानी इसके साथ उसी जो ऑप्शन दे रखा है वो बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है, वही क्यूब स्क्वायर वही घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, लेकिन यहाँ पर 32 दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही निम्न में से युग्मों को चुनना है, लंबा ऊंचा क्रूर दयालु कठिन मुलायम हल्का भारी, ये सब क्या है, अपोजिट अपोजिट नहीं, ये क्या है, समानार्थक है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, सारी आकृतियां हैं, ठीक है, तो इन सब में सेम चीजें हैं, लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर ले लिया है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा इन तीनों से, ठीक है। सिंपल सिंपल है बिल्कुल, फटाफट करते हैं इसको। निम्नलिखित तो में से कुल उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। सिंपल क्या किया गया है, जितने बाहर हैं उतने ही भुजाएं अंदर है, जितने बाहर उतनी भुजाएं अंदर है, जितने बाहर उतनी भुजाएं अंदर है, लेकिन यहाँ क्या है, वो चेंज हो गया है, यहाँ 5 है जबकि यहाँ पर 4 ही है अंदर वाले में, ठीक है। तो ये बी डी आपका जो है वो अन्य से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, देखने से पता चल जा रहा है कि क्या है, इसमें जो है सारे बाहर बाहर है, इसमें क्रॉस कर दिया है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला लेखक किताब बना लिखता है, बड़ा ही फर्नीचर बनाता है, मोदी जूते सिलता है, दर्जी सुई नहीं बनाता है, कपड़े सिलता है, ठीक है, ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इसमें क्या किया गया है, जो इन अक्षरों के क्रमांक है ना, ये देखिए सी कितने पर है, पहले ए वाला करिए, ए ऑप्शन, सी कितने पर है, 3 पर, 4 कितने, डी कितने पर, 4 पर, ई कितने पर, 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर। देखिए आप कोडिंग डिकोडिंग का काम आ रहा है कहीं यहाँ पर, हाँ ठीक है, 4 3 7 5 12 12 6 18 7 18 7 8 8 15, यानी 25, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, एम 13 पर, एन 14 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर, ठीक है। 10 20 30 40 50 50 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, 50 यहाँ लिख लीजिए पहले, फिर क्या है, 4 3 7 5 4 3 7 5 12 6 18 7, भाई 25 क्या हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, जी कितने पर, 7 पर, +8 9 10 11, ठीक है। तो 11 9 20 11 9 20 20 20 20 10 30, 30 और 15 45, ठीक है। डी देख लीजिए, यहाँ पर आर कितने पर, 18 पर, S 19 पर, P 21 22, ठीक है। तो 20 20 40 20 60 10 70 10 80, 8 9 17 17 1 18 2 20, यानी 90 नहीं, 100 20 100 हो गया ना, 100, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या अलग लग रहा है, डी वाला अलग लग रहा है, क्योंकि ये सब विषम संख्याएं हैं, लास्ट में 5 है ना,
विषम संख्या है, ये सम संख्या है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आपको ये वाला? 100 है, मैं ऐसे उठ जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, 100 है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 61 हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, वही चीज़ अलग चुनना है। यहाँ देखिए 11120, 13169, कुछ पहचान रहे हैं? 18324 याद आ रहा है? 11 का 121 माइनस वन कर दिया, 120 आ गया। 13 का 169 स्क्वायर माइनस वन कर दिया, 159 आ गया। 18 का 324 होता है, माइनस वन कर दिया, 323 आ गया। लेकिन 15 क्या होता है, 225 माइनस एक करने में 224 आना चाहिए था, लेकिन क्या है, 256 आ गया है। तो सी विल बी योर राइट आंसर, अलग हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए अलग बताना, भिन्न बताना है इसमें से, ये वीडियो वाले में आया था। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, बिल्कुल जो है अपोजिट अपोजिट बनाया गया है। ठीक है, अपोजिट अपोजिट बनाया गया है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, दोनों साइड सेम कर दिया गया है, जबकि इसको ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें ही पहचानिए, इसमें क्या है, इसमें ये किया गया है, जैसे देखिए सारे जो है लगातार जस्ट अपोजिट, बगल वाले अपोजिट है उसके, जस्ट बगल वाले अपोजिट है उसके। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए कहाँ गया, ये देखिए, ये और ये दोनों लगातार क्रम में एक ही एंगल से मुड़े हुए हैं, जबकि बाकी सब में एक के बाद एक जो है उल्टा मुड़ा हुआ है उसका। जैसे ये अगर ऐसे मुड़ा है तो उसके बाद वाला ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन भिन्न हो जाएगा इन बाकी में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही एक अलग चुनना है, वसंत, पतझड़, गर्मी, हवादार, हवादार कोई वो नहीं है, मौसम नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्या है, सीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी अलग दिख रहा होगा, ये क्या है, इसमें वक्र आकार इस्तेमाल कर लिया, बाकी सब में क्या है, सीधी सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया गया है कि हाँ, अगर आप इसको ऊपर करते हैं, इसको अगर आप ऊपर करते हैं, है ना, तो बाकी सब में ये जो ब्लैक वाला बॉक्स है ये लेफ्ट साइड है, सिवाय बी के। इसको जब सीधा करेंगे तो ब्लैक वाला बॉक्स इधर राइट में आ रहा है, बाकी सब में लेफ्ट में आएगा। इसको जब ऊपर करेंगे तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, इसको जब ऊपर करेंगे तो भी लेफ्ट में चला जाएगा, लेकिन बी ऑप्शन में क्या है, ये राइट में आएगा। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन का सही हो जाएगा, जी भी 2018 में आया था वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखिए हमें समझ नहीं आया क्या अंतर है इसमें, जिसको आता हो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। बी ऑप्शन सही है इसका, ऐसे जो आंसर दे रखा है। ठीक है, 69। ठीक है, देखिए इसमें देखिए क्या है, यू ए आई ओ, ठीक है, सी जी के ओ एस, देखिए आई कितने पर है, 21 पर, ये 27 मान लीजिए, ये 9 मान लीजिए, 5 मान लीजिए और 15 मान लीजिए, कितना हो जाएगा, प्लस 6, अगर ये ए पर है तो प्लस 8, ये माइनस 4, ये प्लस 10। ठीक है, सी जी के ओ एस, ये कितना हो जाएगा, 3 4 प्लस 4, और 7 4 11 प्लस 4, 11 4 15 प्लस 4 प्लस 4, मतलब इसमें सब में प्लस 4 प्लस 4 हो रहा है। इसमें देख लेते हैं, ई आई एम क्यू यू, 5 9 13 17 21 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, हाँ, तो ए आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ए आपका अलग हो जाएगा, बाकी सब में प्लस 4 प्लस 4 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, लेकिन ए में ये अरेंजमेंट आ रहा है, यानी ये भिन्न हो गया थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जिम कार्बेट, रणथंबोर, यहाँ देखिए जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया, जियोग्राफी काम आएगी यहाँ पर आपकी, हमने पहले चैप्टर में बोला, मतलब पहले पार्ट में बोला था ना कि सारे तरह के नॉलेज इसमें काम आएंगे। जिम कार्बेट, रणथंबोर, बांधवगढ़, ये सब क्या है, नेशनल पार्क है, लेकिन तुंगभद्रा क्या है, ये एक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपने जीएस, हालांकि इंडियन जियोग्राफी में कवर करेंगे हम लोग उसको, लेकिन तभी बताइएगा तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा की सहायक नदी है ना। चलिए अब देखिए, आप इसमें भिन्न निकालना है, HDFC, ICICI, ICICI, IDBI, SEBI, PNB, BOB, BOI, बैंक ऑफ इंडिया है ना, UCO, HSBS, HSBC, आजकल इसका डिस्काउंट भी चल रहा है आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, तो इन सब में बाकी सब बैंक है, लेकिन SEBI क्या है, एक नियामक संस्था है, SEBI क्या है, नियामक संस्था, इसलिए बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, गैंडा, शेर, भेड़िया, बाघ, ये सब क्या है, मांसाहारी है, गैंडा शाकाहारी होता है, कई लोगों को पता ही नहीं होगा ये चीज़, चलिए आज जान लीजिए, है ना। देखिए, टोनी ब्लेयर, ब्लेज पास्कल, सर आइजक न्यूटन,
प्रेस्कॉट जूल। तो बाकी सब साइंटिस्ट हैं, ठीक है। ये टोनी ब्लेयर जो है उस समय के पूछे गए पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो करंट अफेयर भी ऐड कर दिया, करंट अफेयर का क्वेश्चन रीजनिंग में कैसे डाला है देखिए आप, ठीक है। अगला देखिए, बड़ौदा, चेन्नई, मुंबई नहीं बॉम्बे लिखा है, कलकत्ता। अच्छा देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, आपको हिंदी की बजाय इंग्लिश देखना पड़ेगा। बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पौंडीचेरी है ना, कानपुर, पूना, कैलिकट। देखिए इसमें क्या है कि आपका चेन्नई ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी सब क्या है, पुराने नाम लिखे हुए हैं। चेन्नई आधुनिक नाम है मद्रास का, बाकी सब पुराने नाम लिखे हुए हैं। बड़ौदा का वडोदरा हो गया है, बॉम्बे का मुंबई हो गया है, कलकत्ता का मतलब भाई कलकत्ता हो गया है, के वाला हो गया है स्पेलिंग, कोचीन का कोची हो गया है, पौंडीचेरी का पुडुचेरी हो गया है, कानपुर का कानपुर हो गया है, पुणे का पुणे हो गया है, पी यू एन ए यानी है ना, और कालीकट का काजीकट हो गया है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से अलग निकालना है भाई, लोहा, तांबा, इस्पात, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, एक अलग प्रकार की धातु जबकि इस्पात मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है, बाकी समय अल्फाबेट बनाऊंगे, इसमें डायरेक्शन बना हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। ये नलकूप चालक वाले में आया था 2019 में, ठीक। अगला देखिए, इसमें क्या किया गया है कि 380, 188, 92, अच्छा, इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, घटाया हटाया नहीं गया है कुछ, सीधे क्या किया गया है। अच्छा आप जितने ये तरीका भी आएंगे ना, दो क्वेश्चन ये आबकारी वाले में ही आए हैं इस तरह के क्वेश्चन लगातार, तो वो आप पहले ट्राई कर लीजिएगा अगर क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो ठीक है। वो तरीका क्या, पहले भाग दिया गया है 380 में, दो का भाग दिया गया है, दो एक कम दो, दो नंबर 18 माइनस दो, भाग दे करके दो से माइनस दो कर दिया गया, 188 आ गया। अब 188 में करिए ये चीज, दो नंबर 18 दो चौके 8 माइनस दो 92 आ गया ना। अब यही इसमें करिए, दो चौके 8 दो छके 12 माइनस दो, ये तो 48 आ गया, यानी ये भी यही गलत है 48 वाला ही, तो सी ऑप्शन सही आ सही हो जाएगा, 46 आना चाहिए था ना। देख लीजिए, दो दूनी 4 दूनी 6 माइनस दो, ठीक है, हालांकि वो 20 ऑप्शन में नहीं है, 48 ऑप्शन सही है आपका, ठीक है 48, हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पे, दो छके 12 दो चौके 8 दो छके 12 46 हो गया, दो से भाग दिया, दो तीन 4 दो तीन, ठीक है। तो 20 ऑप्शन में नहीं है, 48 ऑप्शन में है, तो 48 गलत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न में चार शब्द दिए गए भाई, अलग निकालना है, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, अगस्त, इनमें से कोई एक का महीना अलग होगा। देखिए यहाँ से गिरी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखिए अप्रैल 30 का है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 का है, मतलब इन दोनों में कोई आंसर है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये भी 31 का है, मतलब अप्रैल 30 का, तो बी ऑप्शन सही हो गया आपका, ठीक है। बाकी सब 31 के हैं, दिसंबर तो 31 का होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ये चार युग दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से जो है आपको ऑड वन निकालना है, ऑड वन निकालना है। इसमें वही चीज़ किया गया है, मतलब उसी से मिलता जुलता थोड़ा, कि क्या किया गया, 32 है, इसमें दो घटा करके बटे दो कर दिया गया है, क्योंकि 15 दूनी 30 है ना, और 38 दूनी 76, 27 दूनी 58, 54 और ये बात 38 दूनी 8 8 16 76 है, यही गड़बड़ लग रहा है क्या, नहीं बन रहा है सही, 42 दूनी 84 है ना, यही गड़बड़ लग रहा है। दो घटा के देखिए जरा, 32 30 15 हो गया, ये आ रहा है ना वैसे ही, और ये 56 माइनस 2 बटे 2 करिए 56 माइनस 2 बटे 2 54 बटे 2 यानी 27, 86 माइनस 2 बटे 2 यानी 84 बटे 2 बटे 42, तो यहाँ तो मैं आ रहा हूँ ना, यहाँ 42 हो गया, मतलब ये सब सही है, यानी ये सी वाला जो है गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए 74 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 72 बटे 2 करेंगे तो कितना, 38 तो नहीं आएगा, ठीक है, 2 3 6 दो 6 12 36 आ रहा है, तो ये क्या है, ये सी वाला अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नीचे दी गई श्रृंखला में से एक अलग निकालना है, देखिए इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, जैसे देखिए 3 लिखा है ना, ये 3 कैसे आया, 1 × 2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर 2 × 2 पढ़ा है ना, यहाँ 3 कर दीजिए, 3 × 4 + 1 आ रहा है क्या, 4 × 3 = 12, ठीक है। यहाँ हो जाएगा फिर 2 बढ़ेगा तो 5 × यहाँ 2 बढ़ेगा 6 + 1, 6 × 5 = 31, ठीक है। यहाँ बढ़ेगा 7 × 8 + 1, 8 × 56 = 58, ठीक है। यहाँ पर 9 × 10 = 90 + 1 = 91, ठीक है।
यहाँ पर 11 गुणे 12 यानी प्लस 1, 12 एकम 12 2 ऐसे लगी 1, 12 एकम 12 13 प्लस 1, कौन सी गलत हो रही है भाई फिर? 12 13 4 2 6 3 2 5 5 2 7 6 2 8 8 10 7 2 9 9 2 11 10 2 12, कौन संख्या गलत है? 3 हो गया ये, 12 13 6 5 31 31 8 7 56 57। अच्छा यहाँ 58 नहीं, यहाँ 57 होना चाहिए था, है ना, 57 होना चाहिए था, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, तुलना सुखाना, तलना सुखाना, सफाई करना, रोना। अच्छा ये सब क्या है? डेली जो हम लोग दैनिक कार्य करते हैं वो है, ये हम लोग रोते डेली थोड़ी ना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर वही चीज़ है कि जितने आकृति, जितने भुजाओं की आकृति बाहर है वही उतने भुजाओं की आकृति अंदर, लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ये सही हो जाएगा आपका, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एक अच्छा सवाल है कि देखिए बाकी सब में एक एक वॉवल है सिवाय एक ऑप्शन को छोड़ करके, समझ गए कौन सा? चलिए अगर वो समझ गए आप, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आप लोग आंसर नहीं करते हैं ना, वीडियो रोक करके तुरंत आंसर कर दिया करिए अगर यहाँ तक आए हैं तो, इस यहाँ तक देख रहे हैं तो। ठीक है, सब बाकी समय एक एक वॉवल है, एक में दो वॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए ये फटाफट करना है, हमें भिन्न खोजना है इसमें से। हिंदी उर्दू में, हिंदी हिंदी उर्दू हिंदू मैथिली, देखिए हिंदू धर्म है बल्कि बाकी सब भाषाएं हैं। ठीक है, अगला देखिए, तोता लोमड़ी ऊँट बिल्ली, तोता क्या है? शाकाहारी है, और ये सब क्या है? नहीं, हाँ तोता ऊँट भी लेता है, जाके सब नहीं चलते हैं। ठीक है, चलिए, त्रिभुज स्पर्श रेखा वर्ग आयतकार, ये सब आकार है, स्पर्श रेखा से कोई आकार नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 चौक 16 6 8 36 8 2 8 64 84 किसी का स्क्वायर होता है, ठीक है ऑप्शन सही हो जाएगा आपका खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 120 58 195। अभी जैसे वहाँ जहाँ जैसे वहाँ पर 11 से 13 का, 11 और 13 का विभाजन नियम लगा था, यहाँ 5 का विभाजन नियम लग रहा है। देखिए ये 13 5 65 है ना, और 21 5 नहीं, 22 5 है ना, 5 2 10 एक, 5 2 10 11 नहीं, 5 2 10 5 24 25 120, ये तो कटेगा नहीं, 8 लास्ट में, ये भी कट जाएगा 5 से, मतलब ये 58 नंबर कौन सा है? सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या है, 104 117 130 145 156 169। ठीक है, अच्छा तो 13 का स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर बन नहीं रहा है। अच्छा इसमें डिफरेंस निकाल के देखिए, 13 4 3 13 4 17 17 13 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 43 होना चाहिए था, अगर 43 हो रहा है और 13 जोड़ेंगे, हाँ, ठीक है बाकी सब सही बैठ रहा है। ठीक है, 345 गलत हो गया है, पर 143 होना चाहिए था, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 13 13 ऐड किया गया इसमें। अगला देखिए, अमरूद लीची पपीता तरबूज, सब तो फली है। अच्छा ये जो है ये जमीन में उगता है, बाकी सब क्या है? पेड़ पे उगते हैं। ठीक है, बाकी सब पेड़ पे उगते हैं, ये जमीन पे उगता है, डी नंबर। ठीक है, ये अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तीर एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, तो अलग कौन सा होगा? पाली शर्की पाब्लो। अच्छा इसमें क्या, ये सब वायु के प्रकार है, हवाओं के प्रकार है, पाली एक भाषा है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सी वी रमन, या लोड जाओ, हाँ आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सी वी रमन, राजगोपालाचारी, इन सबको भारत रत्न मिला हुआ है सिवाय इनके। ठीक है, अलग हो गया, तो यहाँ भी नॉलेज आ रहा है वो। ठीक है, देख लीजिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा उससे समूह से मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें जो है तो इसमें जैसे वहाँ 5 का नियम लगा था ना, यहाँ 13 का लगेगा, 13 एकम 13 13 एकम 13 है ना, 13 एकम 13 बचा, देखिए अच्छा 93 91 और ये कटेगा क्या, 13 एकम 13 बचा कितना,
8 3 11 है ना, 8 तेरा बजट 65 होता है, ये तो जा नहीं रहा है, 247 कटेगा क्या? 13 1 कम 13, अच्छा 1 1 17, तेरे निम्न 17 ठीक है, ये 19 से कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, 215 नहीं कट रहा है, ठीक है चलिए, तो डी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, 13 से कट रहा है यहाँ पर, आज तक नियम लग रहा है 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, आदान प्रदान करना, अच्छा बाकी सब में लिया जा रहा है, इसमें दिया भी जा रहा है, तो अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 7 17 41 85 179, अब देखिए यहाँ सीरीज वाली बात लगेगी, सीरीज वाली कैसे, 13 2 6 + 1 7 2 14 + 3 ठीक है, और 17 2 34 + 5 कितना होना चाहिए था, 17 2 34 5 39 होना चाहिए था, अब 39 × 2 + 7 9 2 18 8 8 से लगी 1 3 2 6 1 7 8 7 15 85 ठीक है, ये जो सिक्वेंस है सही बैठ रहा है लेकिन 41 क्या गलत, 39 होना चाहिए था, डी ऑप्शन सही जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 19 23 29 37 37 41, तो देखिए इसमें क्या है, 17 19 आ गया है, 19 के बाद 23 23 29 37 37 41, भाग संख्या है क्या, अच्छा, ये सब आवाज संख्या है क्रमागत वाली, ये 33 बीच में गलत आ गया है ना, ये 11 कट जाएगी, 11 से 33, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सारा क्रमागत आवाज संख्याओं का सीरीज है ठीक है, ये 33 बीच में गलत आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह, ठीक है आपको हिस्ट्री पता है, मीडियल हिस्ट्री पढ़ा है आपने, बाबर, हुमायूं, अकबर ये सब मुगल काल के हैं, ये सूरी वंश का है ठीक है, तो हुमायूं के बाद शेरशाह आ गया था ठीक है कुछ सालों के लिए, इसीलिए वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल्लू, तोता, चील, बाज, उल्लू, तोता, चील, बाज, अच्छा ये सब सर्वाहारी हैं, तोता शाकाहारी है ठीक है, ये सब सर्वाहारी हैं, ये शाकाहारी है, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन लॉजिक होता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुकिएगा थोड़ा लाइट चला गया है, लाइट चली गई है थोड़ा, विदाउट कैमरा कर लेते हैं ठीक है, तो निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है, तो गिटार, सारंगी, वीणा, बांसुरी, देखिए जो ये हैं ये तीनों हाथ से बनाए जाते हैं, देखिए बांसुरी मुंह से बनाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी, पुणे, इसमें नई दिल्ली जो है केंद्र शासित क्षेत्र है ठीक है, बाकी सब सिटीज़ हैं अपनी, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाघ, शेर, गाय, लोमड़ी, सिंपल सी बात है, गाय शाकाहारी बाकी सब मांसाहारी हैं ठीक है, गंगा, यमुना, कावेरी, हिमालय, हिमालय एक पर्वत है, बाकी सब नदियां हैं, तो हिमालय आपका अलग हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व, आसमान, दक्षिण, पश्चिम, तो क्या है, बाकी सब दिशाएं हैं, बी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, तो सही जाएगा इस तरह, इस हिसाब से टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, गेंद, गेंद एक खेल की सामग्री, बाकी सब खेल है, खत्म, टाटा। देखिए 140 121 181 6 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
चालीस सीसी का स्क्वायर नहीं होता है तो ए ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 12, 16, 25, 41, 66, 104 इसमें क्या किया गया है कि इसमें देखिए 2 का स्क्वायर जोड़ा गया है, इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ा गया है, इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ा गया है। देख लीजिए आप, 12, 4, 16, 16, 9, 25 है ना, और ये 25 और 16, 41। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 41, 25, 66, यहाँ क्या हो जाएगा 36। तो 6, 6, 12, 2, 6, 3, 9, 1, 10 तो यहाँ पर 102 होना चाहिए, 104 हो गया। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा क्योंकि ये भिन्न है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 7 नंबर, 256, 245, 223, 190, 146, 90। ठीक है, तो घटा के देखिए इसमें से कितना जा रहा है, एक एक हमारे से 11 हो गया, यहाँ पर 5 3 2 4 2 2 11, 22, 33 का सीरीज बनेगा क्या, 3 0 3 9 3 12। ठीक है, माइनस 26 हो गया, यहाँ कितना होना चाहिए, 10 में 6 4, 8 में 4 4। ठीक है, यहाँ 55 होगा,
लेकिन 55 घटने तो इतना नहीं आना चाहिए, 5 में से 6 में से 5 जाए तो 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, यानी 90 गलत है क्या? ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, बाकी 11, 22, 33, 44 में से घटाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, जेड 26, एक्स 24, ई 22, आर 18, ये जो है दो दो करके घटाते जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए सही है। 5, 10, 29, 36, 69। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है कि देखिए, जैसे 2 का है, 2 का स्क्वायर करके यहाँ पर एक कर दीजिए 5। ठीक है, तो अगर 4 जो 16 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 प्लस 1 करेंगे, 3 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दीजिए तो क्या 10 आ जाएगा। हाँ, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 प्लस 1 17, नहीं ये नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक 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 काम ये करिए कि 2 का क्यूब करिए, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, 4 दुनिया 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10। अच्छा, 2 का पावर चार करिए, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16। ठीक है, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 प्लस 3 करना पड़ेगा तो 19 आना चाहिए, लेकिन 29 है यहाँ पर। ये लॉजिक नेक्स्ट में ला के देखिए जरा, 2 की पावर 5 करिए, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 और गुड़े 2, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32 प्लस 4 36, सही तो बैठ रहा है, यहाँ गलत है ये, ये 19, ये 19 होना चाहिए यहाँ पर, 29 की जगह, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू, अच्छा, इसमें बॉबल वाला कंसेप्ट है। देखिए, ए ई ए ओ आई ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये है सीरीज ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये देखिए, ए कितने पर है, 1 पर, सी कितने पर है, 3 पर, ई कितने पर है, 5 पर, ए कितने पर है, 10 पर, ओ कितने पर है, 15 पर, तो प्लस 2 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, प्लस 5 हो गया, प्लस 5 हो गया। अच्छा, गलत क्या है भाई साहब, गलत इसमें ये है कि 3, अगर यहाँ पर 3 हो जाए और ये 4 हो जाए, 3 बैठ जाएगा, 2 3 4 5, मतलब अगर यहाँ पर हम 3 जोड़े हैं तो 3 3 6 6, मतलब F, F में 4 जोड़ेंगे 10, J आ जाएगा, तो मतलब यही गलत है, आई ई, आई ई आपका गलत है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहिनी, नालिका, मार्ग, माध्यम, बहाव, ठीक है, और नाली, इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है, 110 में जो है आपका बहाव, बहाव ना एक प्रक्रिया है, बाकी सब क्या है, वो मतलब एक तरह से माध्यम बनते हैं ना वो लोग, कि उसके थ्रू जाता है, नाली के थ्रू, नलिका के थ्रू है ना, मार्ग के थ्रू जाते हैं आप, तो बहाव क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्य तीनों से वही अलग बताना है। ठीक है, देखिए, तो इसमें ये अटॉर्नी जनरल है, अगर जीएस का क्लास किया होगा आपने, वहाँ पर हमने आर्टिकल बात की थी 76 में है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल सेंट्रल का 76 में आता है, अनुच्छेद 76 के तहत। तो देखिए, बाकी सब क्या, सामान्य कोर्ट के एक तरह से पार्ट है। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का वकील होता है। ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा, अलग हो जाएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, कौन सा अक्षर समूह श्रृंखला से मेल नहीं खाता है। इसमें हमें दिखाना है, देखना है कि कौन सा एक तरह से हैंग कर गया पेन भी। ठीक है, तो कौन सा मतलब एक तरह से सीक्वेंस में नहीं बैठ रहा है। एल कितने पर आता है, एल आता है 12 पर। ठीक है, एन 14 पर, ओ 15 पर, कितना हो रहा है प्लस 2। ठीक है, और प्लस 1 है ना, इसमें हुआ है। ठीक है, चलिए सही हो गया है। देखिए, सी वाले का देखिए, 3 पर है, 6 पर है, 5 पर है, प्लस 3 माइनस 1, अच्छा माइनस 1। जी कितने पर है, 7 पर है, ये 10 पर है, आई 9 पर है, प्लस 3 माइनस 1, अच्छा यही गड़बड़ हो रहा था खाली, ये बाकी सब में मैच कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, संपत्ति, देनदारियां, फायदा, लाभ, नामे श्रेय, आमदनी, व्यय। तो देखिए, जो बी ऑप्शन है आपका, फायदा और लाभ, ये सब क्या है, ये एक तरह से समानार्थी सब है, सब है, बाकी सब अलग अलग है। ठीक है, बाकी सब भिन्न है, लेकिन ये बी ऑप्शन जो है आपका, ये
समानार्थी शब्द एक तरह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, ये लाइट आ गई है ना। तो 114 में देखिए, 3, 11, 5, 13, 8, 16, 14, 24। देखिए इसमें क्या किया गया है कि 3, 11, 5, 13, अच्छा प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, लेकिन 14 यहाँ 10 हो जा रहा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। तो ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका थोड़ा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 115 नंबर, 115 भाई, शेर बांध में रहता है, पक्षी घोंसला बिल्ली गाँव में रहती है, तो छत में रहती है। बी ये गलत है ना, सी वाला गलत है, बिल्ली वाला, बिल्ली में थोड़ी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे भिन्न बताना है, पैसा बोल जाइए। लो धन्यवाद। देखिए इसमें क्या अलग अलग दिख रहा है, ये पहला अलग दिख रहा है, इन सब में सब काले भरे हुए हैं, इसमें अलग काला नहीं भरा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खत्म ना भी क्वेश्चन। चलिए इस चैप्टर का, सेशन का, इस वीडियो का क्या है, पर 14 पर, तो ये 8, 3, 11, 11, 3, 14, ये 15, 16, 16, 16, 4, 16, 4, 20। ठीक है, अब देखिए a+3, 4+3, 7, ठीक है सही है, ये 18, 4, 8, 4, 12, गड़बड़ लग रहा है क्या, यही 3 ही है प्लस 21 है, 8, 3, 11 होता है। देख लीजिए जे वाला भी देख लीजिए, जे टी एम एक्स पी, तो 11, 3, 13, 13, 16, ठीक है ये 20, 4, 24, सही तो है, यही अलग अलग ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो उम्मीद है इसमें यानी भिन्नता चैप्टर का क्वेश्चन था वो पूरा होगा आपका। देखिए अब वीडियो लैग भी कराया, अभी हो गया है आधे घंटे का हो गया, लाइट खिली गई थी बीच में, से थोड़ा हीट हो गया डिवाइस, कोई बात नहीं। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।